दोस्तों, अगर आप भी आकाशदीप को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिता के खोने के बाद 3 साल के लिए छोड़ा क्रिकेट, फिर डेब्यू करते ही अंग्रेजों को दिखाई औकात, माँ के पैर छुए, पर इंग्लैंड के खिलाफ 4th टेस्ट मैच में डेब्यू कर महज 3 गेंदों पर 3 विकेट झटक कर आकाशदीप ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया, जिसे देख कर उनकी माँ भी हुई भावुक और फिर अपने बेटे के लिए अनमोल शब्द कहते हुए पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। तो आखिर आकाशदीप की मां ने अपने बेटे के लिए क्या कुछ कहे अनमोल शब्द, कैसे अपने बयान से कर दी हर किसी की आंखें नम, क्या कुछ उनकी मां ने दिया बयान, वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आकाशदीप और बुमराह में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 4th टेस्ट मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। उनकी जगह पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हीरो रहे आकाशदीप को डेब्यू करने का मौका मिला। आकाशदीप को राहुल द्रविड़ ने डेब्यू टेस्ट कैप पहनाया था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा को टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी मिली। भारतीय गेंदबाज काफी खतरनाक प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। जैक क्राउली और बेन डेकेट अपनी टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा लगातार मोहम्मद सिराज और आकाशदीप से गेंदबाजी करवा रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन रोहित शर्मा को आकाशदीप पर सबसे अधिक भरोसा था। टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए एक बार फिर आकाश ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बेन डेकेट को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भी आकाशदीप खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते रहे। इस ओवर की 4थी गेंद पर लॉलीपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और आकाश ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया को मैच में वापसी करा दी। इसके बाद भी आकाश का खौफनाक गेंदबाजी रुकने का नाम नहीं लिया। 12वां ओवर लेकर आए आकाश ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी थी और आकाश ने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट झटक कर इतिहास रच दिया। आकाश का डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया था। लेकिन आपको बता दें, आकाशदीप को अपना डेब्यू कैप मिला। उस दरमियान उनका भाई और उनकी माँ भी स्टेडियम में मौजूद थे। कैप मिलते ही आकाशदीप अपने भाई और माँ के पास गए और वहाँ पर खड़े भाई को गले से लगा लिया और उस समय वो काफी भावुक नजर आ रहे थे। आकाशदीप का इस मैच में शानदार और घातक प्रदर्शन देखकर उनकी माँ ने अपने बेटे के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए अनमोल शब्द बयान किए, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाएगा। तो चलिए हम आपको उनकी माँ के बयान को सुनाते हैं, आखिर क्या कुछ कहा है उनके प्रदर्शन पर उनका रिएक्शन। आकाशदीप की माँ लड्डुमा देवी ने बयान देते हुए अपने बेटे के लिए कहा कि आकाश ने आज पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। मैं उसका डेब्यू कैप देखकर बेहद भावुक हो गई थी, मेरी आंखें नम थी। कैप मिलने के बाद वो सीधा हम लोगों के पास आया। मैं चाहती हूँ कि आकाश भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करे और पूरे क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन करे। आज का दिन हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आकाश को अपनी मंजिल कठिन परिश्रम के बाद मिल गई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से उनकी माँ उनका प्रदर्शन देखकर भावुक हो गई और फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए तारीफों के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। तो धोनी के गढ़ में डेब्यूटेंट आंधी में उड़ी इंग्लैंड की टीम, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला पड़ा है उन पर भारी। डेब्यूटेंट आकाशदीप ने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट चटकाकर पलट दिया पूरे मैच का रुख। आखिर कैसे 4थे टेस्ट मैच के पहले सेशन में ही इंग्लिश टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटनों पर आ गई। आखिर कैसे आकाशदीप के साथ मिलकर जडेजा और सिराज ने इंग्लैंड की हालत बिगाड़ के रख दी। आखिर किस गेंदबाज ने चटकाए हैं, कितने विकेट, कितने रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम, आखिर कैसे टीम इंडिया है उन पर पूरी तरीके से हावी। इस रोमांचक मुकाबले के पहले सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सिराज और आकाशदीप में कौन सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर इंडिया और इंग्लैंड 4थे टेस्ट मैच में रांची के मैदान पर आमने सामने हुई, लेकिन सिक्का उछला तो रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं गिरा, बल्कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत की तरफ से इस मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और उनकी जगह पर टीम में सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप को डेब्यूटेंट का मौका मिला। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर बेन डेकेट के साथ जैक क्राउली उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज। सिराज बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, भारतीय टीम के हौसले बुलंद नजर आ रहे थे। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सरफराज खान का सामना करना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ही ओवर में सिराज लाजवाब गेंदबाजी कर मैडन ओवर फेंक दिए। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए खाता तक नहीं खोल पाए थे। वहीं टीम के लिए अपना दूसरा ओवर फेंकने आए इस मैच में डेब्यू कर रहे आकाशदीप ये भी बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन 4थी गेंद पर बेन डेकेट ने सिंगल लेकर टीम का खाता खोल दिया। इस ओवर में आकाशदीप ने केवल 2 रन दिए थे और टीम के लिए 4था ओवर फेंकने आए आकाशदीप ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर इतनी खतरनाक गेंद डाली कि जैक क्राउली उस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल
बॉल करार दिया क्योंकि आकाशदीप का पैर लाइन से बाहर चला गया था, जिसके कारण वो गेंद नो बॉल हो गई थी और जैक क्राउली बच गए। इंग्लैंड की टीम 5 ओवर में केवल 14 रन ही बना पाई थी। भारतीय टीम पहले सेशन में हावी थी। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जोड़ी गेंदबाजी में जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। टीम के लिए छठवां ओवर फेंकने आए आकाशदीप की अंतिम गेंद पर जैक क्राउली ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और अच्छे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। जैक क्राउली अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे। मोहम्मद सिराज की लगातार दो गेंदों पर उन्होंने शानदार शॉट लगाकर रन को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। साथ ही में ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज को क्राउली ने एक और चौका जड़कर हैट्रिक चौका लगा दिया था। इसके बाद भी ये थमने का नाम नहीं लिए। अंतिम गेंद पर सिराज के एक शानदार छक्का क्राउली ने जड़कर इस ओवर से 19 रन बटोर लिए थे और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। जैक क्राउली और बेन जैकेट मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। अपनी टीम के रन को T20 के अंदाज में वो बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर टूट कर ये प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देख कर हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, जिसके बाद रोहित शर्मा ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई। तेज गेंदबाजों ने विकेट नहीं निकाल पाया। रविंद्र जडेजा ने अपने ओवर की 5वीं गेंद इतनी खतरनाक फेंकी कि बेन जैकेट उस गेंद पर चकमा खा गए और गेंद पर जाकर लगती है, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अपील की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला किया। मगर ये फैसला अंग्रेजों के पक्ष में रहा और एक बार फिर बेन जैकेट नॉट आउट थे। लेकिन एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी से आकाशदीप ने बेन जैकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए ओवर की 2री गेंद पर आकाश ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से डेब्यू मैच का पहला विकेट अपने नाम कर लिया, बल्कि टीम इंडिया को पहला विकेट भी दिला दिया। 47 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के बीच टूट गई थी, लेकिन मैदान पर अभी भी जैक क्राउली टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए ओलीपॉप आ गए, लेकिन आकाशदीप ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए ओलीपॉप को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ओलीपॉप बिना खाता खोले मैदान की शोभा बढ़ाने चले गए और आकाशदीप ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। लगातार दो गेंदों पर 2 विकेट लेकर अपने डेब्यू मैच में आकाशदीप ने इतिहास रच दिया था। साथ ही टीम इंडिया को 2रा विकेट भी आकाश ने दिला दिया। इस गेंदबाज की लाजवाब गेंदबाजी देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान रह गए थे। पूरा भारतीय खेमा इस गेंदबाज के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगा। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इंग्लैंड के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने जोर उठा गए, लेकिन वो भी आकाशदीप के जाल में फंसते बच गए थे और 5वीं गेंद पर वो भी LBW आउट हुए, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया, जिसके बाद रोहित ने खिलाड़ियों से बातचीत कर रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप को मिस कर रही थी, जिसके कारण जो रूट भी बच गए थे। वरना आज ये गेंदबाज नया इतिहास रच देता। इंग्लैंड की टीम 10 ओवर में 47 रन बना पाई थी और 2 विकेट गंवा चुकी थी। पहले सेशन में ही भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दिए। आकाश ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। टीम के लिए एक बार फिर 12वां ओवर फेंकने आए आकाशदीप ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्राउली को इस बार क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अपने डेब्यू मैच में ही पहले सेशन में 3 विकेट झटक कर इतिहास रच दिया और टीम इंडिया को 3रा विकेट भी दिला दिया। इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। 12 ओवर में 57 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। बल्लेबाज इंग्लैंड की तरफ से आ चुके थे, एक तरफ से जो रूट तो दूसरी तरफ से जॉनी बेयरस्टो। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। टीम इंडिया पहले सेशन में पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी और देखकर यही लग रहा था कि टीम इंडिया अभी से जीत की दास्तान लिखना शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज में कौन दुनिया